नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का सोशल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फरा खान। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र की लिखी ये लाइनें आज उस खबर पर एकदम फिट बैठती हैं क्योंकि भाजपा वालों को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। आए दिन बुलडोजर अटैक करना अब बीजेपी सरकार को महंगा पड़ा है। ये सुनकर दोस्तों हैरान मत होइए क्योंकि ये बात एकदम सच है। भाजपा वाले हमेशा गरीबों और मजलूमों पर बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं हटते, अपनी बपौती समझते हैं, जज भी खुद बन जाते हैं और फैसला भी खुद कर लेते हैं। हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह बुलडोजर को बीजेपी न्याय का प्रतीक बताती हुई दिख रही है। लेकिन अब की बार कोर्ट ने ऐसी एकड़ी निकाली है जिसके बाद सियासी भूकंप आ चुका है। दरअसल हाईकोर्ट ने भाजपा की हेकड़ी निकालते हुए सारी अकल को ठिकाने लगा दिया है। पिछले वीडियोस में भी आप देख चुके हैं कि योगी हो या फिर खट्टर हो, हर कोई बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं है। यहाँ तक कि चुनावी प्रचार में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। योगी हो या अमित शाह, हर कोई बुलडोजर को लेकर चुनावी मैदान में होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कोर्ट ने निगाहें टेढ़ी कर ली है और सरकार जो मनमानी रवैया अपनाती है उस पर तल्ख टिप्पणी की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झूसी में एक अधिवक्ता के घर को बुलडोजर चलाकर तोड़े जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई मनमानी के लिए नहीं है, यानी सीधे तौर पर कोर्ट ने कह दिया है कि जो मनमानी रवैया सरकार अपनाती है वो इस चीज के लिए नहीं है। घर में एक ईंट रखने में वर्षों लग जाते हैं और तोड़ने में कुछ पल लग जाते हैं। 20 नवंबर तक ये बताने को कहा है कि ध्वस्तीकरण के नाम पर अब तक क्या क्या और कैसे किया गया है, भविष्य में क्या करने की योजना है। खंडपीठ ने मंगलवार को हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक यादव के झूसी स्थित मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दोपहर 12 बजे सुनवाई की। कोर्ट ने पीडीए के अधिकारियों से जवाब मांगा है तो वो चुपचाप खड़े रहे। हालांकि ये चुप्पी अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली क्योंकि कोर्ट ने अब 20 तारीख को इस मामले पर फिर से सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। अब सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। अब यहाँ दोष जो है नेताओं को मैं नहीं दूंगी क्योंकि दोषी समाज है जो बुलडोजर कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर किसी का भी घर टूटता है तो तकलीफ होती है, जैसे नू मेवात में बेबस लाचारों के कितने घर तोड़े गए। लेकिन गलती समाज की है और ये रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि जिसके साथ भी ये होता है उसकी आवाज को उठाने के लिए हम सब एकजुट नहीं होते और उसका नतीजा क्या निकलता है आप सभी के सामने है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुंडा राज मुक्त करने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर बुलडोजर एक्शन किस पर हो रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। इस हिसाब से तो कोर्ट बंद हो जाना चाहिए, पुलिस और जजों को भी छुट्टी ले लेनी चाहिए क्योंकि बुलडोजर ही चलवाकर ये लोग न्याय दे रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि बुलडोजर की कार्रवाई से ये साबित होता है कि सरकार न्याय के प्रति कितनी सतर्कता बरतती है, खुद ही न्याय कर रही है। अब आपके सामने सारा सच है कैसे बीजेपी बुलडोजर का गुणगान गाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हालांकि अब कोर्ट ने टिप्पणी करके जवाब तो मांग लिया है, अब आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात रहेगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।